हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एटूज स्टडी। कैसे हो आप सभी? आई होप आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। गाइज, आज का हमारा टॉपिक है आर्टिकल का प्रैक्टिस सेट कर लेते हैं, बिकॉज हमने आर्टिकल चैप्टर खत्म कर लिया और आज प्रैक्टिस सेट करके ठीक है, और मंडे से फिर नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर देंगे, बिकॉज संडे को जो है रीजनिंग पढ़ना हमें। सो गाइज, ध्यान दो यहाँ पे, सुधा प्लेज डैश गिटार। सुधा क्या करती है? गिटार को बजाती है, ठीक है। सो गाइज, यहाँ पे बताओ आपको फिल इन द ब्लैंक्स में क्या होगा। आप हमेशा ऑप्शन खुद से चूज कर लो, द ए एंड या फिर नो आर्टिकल, यही चारों में से कोई एक होगा ना, ए या फिर एन या फिर द या फिर नो आर्टिकल। तो यही चारों ऑप्शन हर एक, सभी जितने भी 20 क्वेश्चन हैं सभी में आपको यही ऑप्शन रहेंगे, ध्यान रखना होगा। तो बता दो जरा यहाँ पे क्या फील होगा, ठीक है। सो गाइस, जिसका भी 20 क्वेश्चन में जिसका भी 18 आता है, कम से कम उसकी स्टडी एवरेज है, जिसकी 20 आती है उसकी बहुत अच्छी है, और जिसकी भी 18 से कम मार्क्स आ रहे हैं उसे बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, ठीक है। अब देखो, सुधा प्लीज डैश गिटार। तो गाइस, यहाँ पे गिटार क्या एक अविष्कार की गई चीज़ें हैं, मैंने लिखवाया था इन्वेंशन की गई किसी भी वस्तु के पहले द का यूज होता है, मैंने लिखवाया था ना। तो चलो, यहाँ पे द का यूज होगा, और इसके साथ मैंने ये भी लिखवाया था, अगर इन्वेंट की गई चीज़ें जो है पार्टिकुलर या फिर काउंटेबल नाउन की तरह यूज हो, जैसे कि क्या किया, सुधा ने एक गिटार को तोड़ दिया, ठीक है, तो उसने एक ही गिटार को तोड़ा है, तो वैसे कंडीशन में, या फिर दो गिटार तोड़ा है, वैसे कंडीशन जब हम काउंट कर सकते हैं तो क्या होगा, वहाँ पे ए एन का यूज होता है। लेकिन गाइस, यहाँ देखो, सुधा प्लेज द गिटार, सुधा क्या प्ले गिटार को बजाती है, तो पूरी किसी भी गिटार को मिलेगा तो वो बजा देगी, ठीक है, वही बात है। सो गाइस, यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने तो लिखवा दिया, आप दो रूल बता दिया आपको इन्वेंट की गई चीज़ें, लेकिन एक चीज़ और लिखवाया था मैंने, इन्वेंट की गई चीज़ें जैसे कि टेलीविज़न, टेलीविज़न हो गया, टेलीविज़न के पहले अगर ओ ऑन या फिर वॉच, WATCH, ये चीज़ें जब आ जाएँ, ये दोनों वर्ड अगर आ जाए, तो वैसे कंडीशन में टेलीविज़न के पहले द का यूज़ नहीं होता है। गाइस लिखो, ये चीज़ मैंने लिखवाया था, लेकिन एक चीज़ मैंने और गलत लिखवा दिया था, उसी चीज़ आप लोग इम्प्रूव कर लो। टेलीविज़न के साथ मैंने बोल दिया था कि रेडियो के बारे में भी लिख लेना, कि रेडियो के पहले ऑन आ जाए या फिर वॉच आ जाए तो द का यूज़ नहीं होगा, लेकिन ऐसा कोई बात नहीं है, रेडियो के साथ हमेशा द के, रेडियो से पहले हमेशा द का यूज़ होता है, इस चीज़ को आप लोग ध्यान में रखना आप लोग, ठीक है। तो वहाँ पर ज़रा इम्प्रूव कर लेना, जहाँ पर मैंने आपको लिखवाया था यूज़ ऑफ द में मैंने लिखवाया था। आप दो नंबर देख लो यहाँ पे, अ ट्रॉपिकल स्टॉर्म वाज डेवलप्ड ओवर डैश सेंटर ऑफ डैश हडसन बे। अब ये क्या हुआ, ट्रॉपिकल स्टॉर्म वाज डेवलप्ड, ठीक है, ये कहाँ पे भाई, ट्रॉपिकल स्टॉर्म कहाँ पे डेवलप्ड हो रहा है, हडसन बे मतलब खाड़ी में, ये हडसन जो बे है, मतलब जैसे आप लोग बे ऑफ बंगाल का नाम सुने होंगे, हडसन बे का नाम नहीं सुना होगा आपने, में भी जैसे बे ऑफ बंगाल का नाम सुने होंगे, बंगाल की खाड़ी, वैसी हडसन बे भी एक खाड़ी है, ठीक है, हडसन खाड़ी है जो भी है। तो मैंने इस पे रूल कुछ लिखवाया था गाइस, यहाँ पे बताओ आप लोग कि पहले फिल इन द ब्लैंक्स में क्या होगा और यहाँ सेकंड वाले में क्या होगा। ट्रॉपिकल स्टॉर्म मतलब जैसे कि आपने देखा होगा समुद्रों में क्या होता है, चक्रवात होता है, तूफान होता है, वही सब चीज़ें जो होती हैं उसके अंदर, पानी के अंदर क्या होता है, हलचल सी होती है, वही चीज़ें जो हडसन बे में डेवलप्ड हुई है। लेकिन यहाँ पे बताओ फिल इन द ब्लैंक्स से हमें मतलब है, हमें ये सेंटेंस की हिंदी कहने से कोई मतलब नहीं है, बिकॉज बहुत सिंपल सा रूल है, मैंने लिखवाया था एट द टॉप ऑफ, एट द सेंटर ऑफ, एट बटम ऑफ, ये सब चीज़ें मैंने लिखवाई थी कि उसके पहले क्या होता है, द का यूज होता ही है, ठीक है, द बटम ऑफ द सेंटर ऑफ, ये सब चीज़ें मैंने लिखवाया था। लेकिन मैंने बोला था कभी भी खाड़ी के नाम के पहले, रिवर के नाम के पहले, ओशियन के नाम के पहले द का यूज होता है, लेकिन अगर खाड़ी के नाम अगर हडसन बे आ जाए, ये उसका एक्सेप्शन है जिसके पहले कोई भी आर्टिकल का यूज नहीं होता है, मैंने लिखवाया था ना। चलो, आपने रूल पढ़ा हुआ तो ठीक है, नहीं पढ़ा तो जब कोई पढ़ने की ज़रूरत है, कॉपी पे लिखने से कुछ नहीं होता है। अब देखो, ही प्रमोट्स हिज प्रोडक्ट ऑन डैश टेलीविज़न। आजकल लोग हर एक चीज़ को क्या प्रमोट कर रहे हैं, टेलीविज़न पे, या फिर अभी तो फिलहाल यूट्यूब पे क्या हो रहा है, प्रमोट हो रहा है, लेकिन बात जो हो रहा है टेलीविज़न की हो रही है। तो बताओ ये ही वो क्या करता है, प्रमोट्स करते हैं अपने प्रोडक्ट्स को कहाँ पे, टेलीविज़न पे। तो यहाँ पे बताओ फिल इन द ब्लैंक्स में क्या होगा फिल, यहाँ पे तीन नंबर क्वेश्चन है, ध्यान दो गाइस। ही प्रमोट्स हिज प्रोडक्ट ऑन डैश टेलीविज़न। तो गाइज, मैंने अभी जस्ट बोला कि टेलीविज़न भी क्या है, इन्वेंट की चीज़ है, तो द का यूज़ तो होना चाहिए, लेकिन टेलीविज़न से पहले ऑन या फिर वॉच, ये दोनों वर्ड आ जाए तो वहाँ पे कोई भी आर्टिकल का यूज़ नहीं होता है, ठीक है। सो गाइज, आपको याद रखना होगा। चार नंबर देखो, आई हैव नॉट सीन फॉर डैश लास्ट फाइव डेज, है ना, आई हैव नॉट सीन फॉर डैश लास्ट फाइव डेज, मैंने क्या किया, नहीं देखा है भाई कितने दिन से, क्या हुआ, लास्ट के 5 दिनों से नहीं देखा है, ठीक है, या फिर मैं 5 दिनों से नहीं देख रहा हूँ, किसी के बारे में बात की जा रही है, आई हैव नॉट सीन हीम या फिर कुछ भी यहाँ पे ऐड कर सकते हो, ठीक है, लेकिन वैसे ही पूछा जा रहा है कि यहाँ पे क्या फील होगा। बहुत सिंपल सा मैंने रूल लिखवाया था, लास्ट, फर्स्ट, ठीक है, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फाइव, यही सब चीज़ें मैंने लिखवाई थी, क्या है,
इसके पहले द का यूज होता है, मैंने लिखवाया था, मुझे उम्मीद है कि आपको याद भी होगा। नहीं याद है तो फिर अब क्या किया जा सकता है। अब देखो पांच नंबर है, डैश द अर्थ रिवॉल्व्स राउंड डैश सन, ठीक है, डैश द अर्थ रिवॉल्व्स राउंड डैश सन। ये पृथ्वी क्या करती है भाई, सूर्य के चारों ओर क्या करती है, गोल गोल घूमती है। तो वही दो जगह फिल इन द ब्लैंक से बताओ क्या होगा। पहली बात तो मैंने बोला था जो भी अर्थ हो गया, सन हो गया, मून हो गया, ठीक है, इन सभी के पहले जो होता है आपको द का यूज होता है। तो गाइस यहाँ पे अर्थ के पहले तो द का यूज है ही, तो अब इसके पहले अब क्या यूज करोगे, कुछ नहीं, ठीक है, नो आर्टिकल। लेकिन यहाँ पे सन के पहले जो होगा द का यूज होगा, ठीक है, तो इस चीज़ को जरा आप लोग ध्यान में रखना, सिंपल सिंपल सा क्वेश्चन है। छः नंबर देखो, अब जल्दी जल्दी थोड़ा स्पीड बढ़ा के आप लोग देख सकते हो, आप लोगों को टाइम ज़्यादा लग रहा है तो। आई नो डैश पर्सन सिटिंग बिसाइड डैश द टीचर, मैं उस व्यक्ति को जानता हूँ जो कि टीचर के बगल में बैठा हुआ है। मैंने एक रूल लिखवाया था क्या, ए एन ये क्या है और एक द है, क्या है भाई, ये जो है इनडेफिनेट आर्टिकल है, द जो है डेफिनेट आर्टिकल है। जिसके बारे में हम पहली बार बात कर रहे होते हैं उसके पहले ए एन का यूज़ करते हैं, लेकिन जिसके बारे में हम जानते हैं उसे पहले से, तो उसके लिए हम द का यूज करते हैं। तो गाइस देखो, आई नो पर्सन मतलब उस व्यक्ति को मैं जानता हूँ, ठीक है, तो जब जानते हैं तो यहाँ पर यही सी बात है, द का यूज होगा। आई नो द पर्सन सिटिंग बिसाइड द टीचर, अब टीचर, अब वो जानता है कि वो व्यक्ति टीचर है, तो इसका मतलब जाहिर सी बात है कि उसे पहले से भी जानता होगा। तो टीचर के बगल में जो बैठा है उस व्यक्ति को मैं जानता हूँ, ठीक है, जब वो जानते हैं कि वो टीचर है, ठीक है, जिसके बगल में वो व्यक्ति बैठा हुआ है, तो जब उसको उसके बारे में वो जाना कैसे कि वो टीचर है, जाहिर सी बात है वो पहले से उससे परिचित है ना। चलो डैश ना, यहाँ पे सहारा डेजर्ट इज द बिगेस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड, ठीक है, तो सिंपल सा वर्ड है। मैंने बोला था डेजर्ट का नाम के पहले भी क्या होता है गाइस, द का यूज होता है, ठीक है, जब भी डेजर्ट सेंटेंस में आ जाए तो इसके पहले द का यूज हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे द सहारा डेजर्ट इज द बिगेस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड। अब आपका लेट ना हो इसलिए मैं थोड़ा जल्दी जल्दी बताऊंगा, आप लोग वीडियो को रोक रोक के देख सकते हो। ही प्लेज डैश फुटबॉल, ठीक है, वो क्या करता है, फुटबॉल खेलता है। मैंने ऊपर क्वेश्चन दिया था सुधा प्लेज गिटार, तो गिटार क्या एक इन्वेंट की गई चीज़ है अब इसका, लेकिन फुटबॉल जो है वो फुटबॉल खेल रहा है, ठीक है, ये क्या हुआ, एक खेल का नाम हुआ। मैंने खेल के नाम पर भी एक आर्टिकल का रूल लिखाया था कि खेल के नाम भी किसी भी गेम के नाम के पहले क्या हुआ था, आर्टिकल का यूज़ नहीं करते हैं जब तक कि उसे निश्चित ना बना दिया। जैसे द क्रिकेट ऑफ, मैंने लिखाया था बिहार, द क्रिकेट ऑफ यूपी, इस तरीके से कुछ कुछ एग्जांपल लिखवाए थे। तो यहाँ पे फुटबॉल के बारे में कोई फिक्स बात नहीं की गई, या निश्चित बात नहीं की गई है, ठीक है, तो यहाँ पे ये जो क्या है खेल का नाम है, तो यहाँ पे बिल्कुल भी कोई आर्टिकल नहीं होगा, ठीक है। चलो हम आगे देख लेते हैं कि हमारा और क्या, देखो नौ नंबर क्या हमारा, डैश प्लेग इज स्प्रेड ऑल ओवर द वर्ल्ड, ठीक है, प्लेग क्या एक बीमारी का नाम है। तो मैंने बोला था बीमारी के नाम के पहले क्या होता है, द का यूज़ होता है कि नहीं होता, जरा कमेंट करके बताओ आप लोग। मैंने बोला था बीमारी के नाम के पहले द का यूज़ नहीं होता है, ठीक है। तो सो गाइस यहाँ पे बताओ कि यहाँ पे क्या होगा, प्लेग इज स्प्रेड ऑल ओवर द वर्ल्ड, ठीक है, तो इसमें जरा आप लोग बता दो फटाक से कि इसमें क्या होना चाहिए। जैसे मैंने बीमारी के रूल, प्लेग क्या मैंने बोला था कि उसका बिल्कुल भी, तो यहाँ पर प्लेग के पहले हो जाना चाहिए, जाहिर सी बात जब एक्सेप्शन है तो मैंने बोला है कि आर्टिकल का यूज़ नहीं होता है किसी के पहले या फिर, ठीक है, तो प्लेग जो है आपका इसके पहले द का यूज़ हो जाएगा। चलो इंग्लिश कैन डिफीट डैश फ्रेंच, यहाँ पे गाइस जो है दो बार आपका फिल इन द ब्लैंक्स है, ठीक है, यहाँ पे आपका द होना चाहिए, द प्लेग इज स्प्रेड ऑल ओवर द वर्ल्ड। ये तो सिंपल सा एक मैंने लिखवाया था, एक्सेप्शन आपको लिखवाया था, ठीक है, यूज ऑफ द में आप लोग पढ़ लेना बीमारी के लिए। तो यहाँ पे देखो कि इंग्लिश कैन डिफीट द फ्रेंच, ठीक है, ये करिए कुछ क्वेश्चन हमारा। सो गाइस बताओ इंग्लिश ये क्या आपको लग रहा होगा कि क्या इंग्लिश हो गया या फिर फ्रेंच हो गया जो है आपका चैप्टर का नाम है, आपको ये लग रहा होगा सब्जेक्ट का नाम है फ्रेंच या फिर इंग्लिश। सो गाइस देखो जब इंग्लिश कैन डिफीट डैश फ्रेंच, मैंने लिखवाया था कि सब्जेक्ट के नाम के पहले द का यूज़ नहीं होता है जब तक उसे क्या किया जाए पार्टिकुलर नहीं बनाया जाए, खास निश्चित नहीं बनाया जाए। लेकिन गाइस देखो यहाँ पे इंग्लिश क्या लग रहा है आपको, सब्जेक्ट का नाम है नहीं ना, देखो इंग्लिश कैन डिफीट द फ्रेंच, अब ध्यान से पढ़ो इसे, मतलब बहुत ध्यान से पढ़ोगे तो समझ में आएगा क्या कह रहा है ये क्वेश्चन। इंग्लिश जो है फ्रेंच को हरा सकता है, अब कोई लैंग्वेज जो है किसी से झगड़ा करने तो जाएगा नहीं, मतलब यहाँ पे इंग्लिश का मतलब क्या हुआ अंग्रेज, ठीक है, और यहाँ पे फ्रेंच का मतलब क्या हुआ फ्रांसीसी, जो फ्रांस के लोग हैं उन्हें फ्रेंच बोलते हैं, जाहिर सी बात है यहाँ पे द का यूज होना चाहिए। जैसे फ्रांसीस तो हम लोग हिंदी में बोलते हैं ना, इंग्लिश में फ्रेंच ही बोलते हैं। द इंग्लिश कैन डिफीट द फ्रेंच, ठीक है। चलो व्हाट काइंड ऑफ डैश टीचर इज ही, वो टीचर कैसा है उसके बारे में पूछा जा रहा है कि बताओ, मैं तो मुझे तो पता है कि वह व्यक्ति क्या टीचर है, लेकिन मुझे ये नहीं पता उस व्यक्ति को कि वो टीचर जो है वो किस तरीके का पढ़ाता है, पढ़ने में कैसा है, पढ़ाने में कैसा है,
वही पूछ रहा है कि व्हाट काइंड ऑफ डैश टीचर इज ही, मतलब वो टीचर कैसा है, ठीक है, तो उस टीचर के बारे में मुझे पता नहीं है, तो यहाँ पे क्या यूज होना चाहिए, ए होना चाहिए, है ना। अब देखो यहाँ पे 12 नंबर है, डैश फर्स्ट एंड डैश सेकेंड क्वेश्चन आर इजी। अब यहाँ पे ज़्यादा रूल का मैं डिस्कस नहीं करा रहा गाइज, बिकॉज मैंने रूल बहुत पहले पढ़ा ही दिया, तो फिर बार बार एक ही रूल को बोलने में थोड़ा टाइम ज़्यादा वेस्ट हो रहा है। बताओ फर्स्ट एंड सेकेंड का यूज़ के पहले क्या होगा, द का यूज़ होगा, है ना, जाहिर सी बात है, ये सभी चीज़ों को रूल में मैंने लिखवाया था। अब देखो यहाँ पे है डोंट मेक डैश नॉइज, कुछ फ्रेज मैंने लिखवाए थे जिसके पहले आर्टिकल का यूज़ किस तरीके से होता है, मेक ए नॉइज, ठीक है, मैंने लिखवाया था मेक ए नॉइज, डॉट मेक ए नॉइज। जब मेक ए नॉइज जो होता है ना आपका, ये आप बहुत ज़्यादा पढ़े होंगे, आपके टीचर भी बोलते होंगे डॉन्ट मेक ए नॉइज। तो देखो फिर गई यहाँ पर, देखो दे हैव गोन फॉर डैश स्विम। अब मैंने इसके बारे में शायद आपको याद नहीं आ रहा होगा मैं, बट मैंने लिखवाया था अगर कोई भी वर्ब का यूज़ जब नाउन की तरह से किया जाता है ना, तो उसके पहले ए का यूज़ होता है, ठीक है, जैसे कि किस भाई टहलने के लिए जब जा रहे हो, ठीक है, तो वही बात है, फॉर ए स्विम, फॉर ए टॉक, फॉर ए वॉक, इस तरीके से आता है आपका। ये सभी रूल को पढ़ लेना आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। ही इज़ डैश म्यूजिशियन बट आई एम डैश राइटर, यहाँ पे गाइज कितने लोग हैं, ही इज़ आई एम, यहाँ पे दोनों अलग अलग है, ठीक है, एक अलग व्यक्ति और एक अलग व्यक्ति, तो दोनों के लिए आर्टिकल जो है अलग अलग यूज होना चाहिए, ठीक है। अगर एक ही व्यक्ति के बारे में अगर दो चीज़ बताया जाए रहे हो, वैसे कंडीशन में आप एक ही आर्टिकल का यूज करोगे, लेकिन यहाँ पे क्या क्या अलग अलग चीज़ है कि ही इज़ अ म्यूजिशियन एंड आई एम ए राइटर, मैं क्या हूँ राइटर और क्या म्यूजिशियन है, ठीक है। अब देखो 16 नंबर क्या गाइज, ही इज़ डैश इंटेलिजेंट एंड स्ट्रांग मैन, ठीक है, वही व्यक्ति क्या है, इंटेलिजेंट एंड स्ट्रांग मैन, वही दोनों उसी के गुण है, ठीक है, तो मैं आर्टिकल का एक ही बार यूज़ करना है यहाँ पे, जब कुछ फील करोगे नहीं। अब यहाँ पे भी आपको एग्जाम में दे दिया जाएगा, तो यहाँ पे कोई आर्टिकल का यूज़ मत करना जब एक ही व्यक्ति के बारे में बोला जा रहा है, तो ही इज़ एन इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट को कैसे लिखोगे, इंटेलिजेंट इस तरीके से ना, तो पहला चीज़ क्या हमारा वोवेल टाइप का स्वर आ रहा है, ठीक है। अब देखो ही हैज़ डैश लॉट ऑफ सॉल्ट, ठीक है, सॉल्ट, तो यहाँ पे मैंने बोला था कुछ रूल, लॉट ए लॉट ऑफ होता है, ठीक है, लॉट ऑफ नहीं बल्कि ए लॉट ऑफ होता है, मैंने फ्रेज लिखवाया था पढ़ लेना जाके, ही हैज़ ए लॉट ऑफ सॉल्ट, उसके पास क्या है बहुत ज़्यादा क्या है नमक है। अब देखो गई सचिन तेंदुलकर इज़ रिकग्नाइज एट डैश गॉड ऑफ क्रिकेट, अब क्या होता है मैंने बोला था कि सचिन तेंदुलकर है कि क्रिकेट के भगवान के रूप में जाने जाते हैं, लेकिन गई मैंने लिखवाया था कि गॉड के पहले भी कोई द का यूज़ नहीं होता है, लेकिन गाइज यहाँ पे किसी भगवान के बारे में बात नहीं की जा रही है, सचिन तेंदुलकर के बारे में की जा रही है, जिसे क्रिकेट का क्या भगवान कहा जाता है, तो वो उस भगवान के बारे में बात नहीं की जा रही है जैसे कि ऊपर वाले जो हम हर एक धर्म के लोग पूजा करते हैं, ठीक है, बल्कि सचिन तेंदुलकर को क्या किया जा रहा है, उनका ओहदा दिया जा रहा है, तो वैसे कंडीशन में गॉड के पहले द का यूज़ होता है, ठीक है, तो ध्यान देना सचिन तेंदुलकर इज रिकग्नाइज एज द गॉड ऑफ क्रिकेट बिकॉज डेफिनेट किया जा रहा है यहाँ पे। अब गई देखो वी शैल फर्स्ट गो टू द मैक्सिको एंड देन गो टू डैश यूनाइटेड स्टेट, पहली बात तो यहाँ पे द का यूज़ मैंने गलत लिख दिया है, द यहाँ पे आना नहीं चाहिए था, ठीक है, वी शैल फर्स्ट गो, यहाँ पे द के जगह पे टू लिखना था, गो टू डैश मैक्सिको एंड देन गो टू यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। सो गाइज आप लोग सोच रहे हो कि मैंने आपको आंसर बता दिया, तो चलो भाई कोई भी बात नहीं है, आंसर मैंने आपको नहीं बताया, बिकॉज अगर आप जो लोग बोल भी रहे हो कि यहाँ पे द का यूज होगा, तो बिल्कुल भी गलत ही बोल रहे हो, बिकॉज गाइज मैंने बोला था कि किसी भी कंट्री के नाम के पहले द का यूज नहीं होता है, जब तक कि वो क्या बहुत सारे क्या द यूनाइटेड स्टेट्स, ठीक है, जैसे कि मैंने लिखवाया था और भी, जैसे कि बहुत सारे, जैसे कि एक स्टेट के अंदर जो है बहुत सारी राज्य, जैसे कि देशों को मिला के एक स्टेट बनता है, जैसे कि अमेरिका जो है अलग देश है, यूनाइटेड स्टेट्स जो है उसके अंदर में बहुत से छोटे छोटे देश आ जाते हैं जिनको सबको मिला के बना है, मैंने रूल लिखवाया था इसका, तो उसके पहले क्या होता है, जब यूनाइटेड अगर आ जाता है किसी देश के पहले, ठीक है, समझ लो उसके पहले द का यूज़ करते भाई किसी देश का, इंडिया के पहले द का यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है, चाइना के पहले द का यूज़ नहीं करेंगे, पाकिस्तान के पहले द का यूज़ नहीं करेंगे, ऐसे बहुत सारे देश हैं जिनके पहले द का यूज़ नहीं करेंगे, तो कि उसके पहले यूनाइटेड का यूज़ मतलब यूनाइटेड ना आ जाए, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे देशों का क्या एक संघ है, ठीक है, वही सब बात है। अब देखो नेक्स्ट क्या हमारा 20 नंबर है, आई हियर द टेरिफिक न्यूज़ ऑन डैश रेडियो, मैंने क्या टेरिफिक न्यूज़ सुना किस चीज़ पे, अब रेडियो पर, मैंने रेडियो से रिलेटेड एक ट्रिक बताया, सॉरी रूल बताया था कि रेडियो के पहले ऑन, रेडियो भले इन्वेंट की गई चीज़ है, ऑन आए या फिर ना आए, वाच वाच तो किसी सवाल ही नहीं कि रेडियो को आप देख नहीं सकते हो, रेडियो इन्वेंट की गई चीज़ है, इसके पहले द का यूज होना चाहिए, ठीक है, तो यहाँ पे होगा द, ठीक है। चलो गाइस आज के लिए इतना काफ़ी है, 20 क्वेश्चन, फिर अब नेक्स्ट चैप्टर नाउन स्टार्ट करेंगे, अब क्लास जो आपका कंटिन्यू चलेगा, चलो गुड बाय।